सकते हो एपीएन न्यूज वाले जो कि खबर ले रहे हैं यहाँ पे सारे कावर बम से। अभी वो अभी जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर 2 बजे का ये लोग स्नान करेंगे और फिर निकल जाएंगे ये लोग अपना कावर लेके, जो कि कहीं पे रखना नहीं है। जैसा कि आपको अभी कुछ डाक बम के लोग बताए, जो भी बम है वो बताए आपको कैसे, कहाँ से आप बम? हम लोग बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से आए, कब आए आप? आज आज ही आए हैं। और निकले थे कब? आज ही सुबह निकले हैं। और आज ही आपका यात्रा, मतलब आज ही आप वहाँ पे जल अर्पण करिए या फिर कल करिए? रात तक हम लोग देवघर पहुँच गए और कल सुबह जल अर्पण करेंगे। आज यहाँ पे ये सब सारा चेंजिंग रूम है, यहाँ पे आके जो भी उस तरह स्नान घाट पे करते हैं ना लेडीज महिलाएं लोग, वो यहाँ पे आके अपना कपड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इधर जींस तो कहीं भी कर सकता है ना, लेकिन लेडीज के लिए स्पेशल इंतजाम। फाइनली गाइस एक बस तो मिली, लेकिन यार देखो कितना भीड़ है। तो ये भी देख सकते हो सारे बम ही भरे हुए इस बस में, और अभी नेक्स्ट बस आने का अपन लोग वेट करते हैं। महादेव जय श्री राम। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से डाक बम निकलते हैं ना, तो उनके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एक रसीद कटवाना पड़ता है, वो कहाँ पे कटता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो जो भी डाक बम होते हैं ना, उनके लिए यहाँ से पहले एक पर्चा कटता है। ये सामने साइड काउंटर दिख रहा है, यहाँ पे पर्चा कटता है। और जो डाक बम होते हैं ना व्हाइट ड्रेस में होते हैं, ये देखो जो व्हाइट वाले आ रहे हैं ना, ये डाक बम है। तो यहाँ से पहले पर्चा कटवाना पड़ता है और फिर आगे जाके स्नान करते और फिर जल लेते हैं। और इन लोगों को ना जल वहाँ कहीं पे भी नहीं रखना होता है, कहीं पे भी नहीं। लाइक एक बार उठा लिए ना तो आपको कहीं भी पूरे जमीन पे कहीं भी रखना नहीं होता है डाक बम को जल, और कंटिन्यू उनको रुकना भी नहीं होता है। या तो तुम चलते रहो या तो आप दौड़ते रहो। तो वो लोग दौड़ते भी है चलते भी है, लेकिन जल कहीं पे भी नहीं रखते। 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स उन लोग को जल चढ़ाना होता है डाक बम को। तो यहाँ से भाई मतलब 105 किलोमीटर समझ सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट सुल्तानगंज से ये लोग नमामि घाट से जल उठाते हैं स्नान करने के बाद, फिर ये लोग कंटिन्यू एकदम जाते जाते हैं भाई, कहीं भी नहीं रखते हैं। बस स्नान करो और लेके उठो ना, तो आपको रखना बिल्कुल है ही नहीं, बस लेके जाते जाओ चलते जाओ, कहीं रुकना भी नहीं है। तो 105 किलोमीटर चलना मतलब आप खुद सोच सकते हो गाइस 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर। फिर वहां पे आपको देवघर में जल चढ़ाना पड़ता है शंकर भगवान को। और इनका रूट अलग होता है गाइस, क्योंकि इनका एक पर्चा मिलता है ना, तो ये लोग लाइन में नहीं लगते। जब देवघर मंदिर पहुंच जाएंगे ना तो ये लोग लाइन में नहीं लगते, डायरेक्ट इनको एंट्री मिल जाता है जल चढ़ाने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डाकघर, जो डाक बम होते हैं ना वो, ये देखो व्हाइट कलर का है ना पहने हुए टी शर्ट, यही लोग डाक बम है, यही लोग जल लेके जाते हैं। देख लो पीछे की साइड भी लिखा हुआ डाक बम, अरे अरे महादेव। सो ये लोग जितना भी होते हैं ना लड़के लोग ही होते हैं, लड़की लड़की होते, थोड़ा एजेड बहुत ही कम ही होते। एक पिछला साल ना शायद 72 ईयर्स के गए थे डाक बम लेके, जो कि कंटिन्यू चले थे 105 किलोमीटर। उसके बाद सारा जो भी होता है ना नौजवान ही होता है, लड़का ही होता है, प्लस साथ में लड़की भी होती है, जो भी होते नौजवान ही होते, एजेड नहीं होते डाक बम में, क्योंकि कंटिन्यू चलना मतलब एज के हिसाब से समझ ही सकते हो। बट फिर भी महादेव का कृपा है तो भाई कोई भी चल सकता है यार, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए प्लस भगवान पे विश्वास होनी चाहिए। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। आप डाक बम है ना? हाँ। कितने बजे आप लोगों को निकलना होता है? 2 बजे के आसपास निकलते हो। कितने घंटे के अंदर वहाँ पहुँचना होता है? 6 बजे वहाँ पहुँच, मतलब 24 आवर्स के पहले ही पहुँचना होता है ना, 24 घंटे के अंदर में ही पहुँचना होता है, प्लस आपको कहीं भी रुकना नहीं होता है और जल कहीं भी रखना नहीं है, एकदम लेके चलना है। और खाना पीना फिर कैसे खाते होगे बीच में, अगर भूख लगी प्यास लगी तो? कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही कंटिन्यू, जो यहाँ से खा के निकले वही कंटिन्यू एकदम। आप लोग का लाइन फिर अलग रहता होगा ना वहाँ पे जल चढ़ाने, प्लस इन लोग आपका रसीद वहाँ से करता है ना, उस साइड से रसीद आपका कट गया? बस यहीं से कटता है, यहीं से कटता है रसीद। तो ये भाई भी चार भाई है, मैंने बोला था ना सारा नाम हर हर महादेव। तो कब निकलोगे आप लोग? अभी 2 बजे निकलेंगे। अभी स्नान कर लिए या फिर उसी टाइम करोगे? स्नान करेंगे उसके बाद निकलेंगे। अच्छा यार, कहीं भी नहीं? हाँ वो तो मैंने सुना था, लेकिन आप लोग से कंफर्म हो गए। पहली बार आप लोग का है फिर? और भी पहली बार हम लोग का है। मेरा फर्स्ट है। आपका फर्स्ट है, आपका सेकंड बार है, और आप लोग का? अच्छा ये दोनों का दो दो बार आप दोनों का, और आप दोनों का फर्स्ट टाइम है। यार कांग्रेचुलेशन भाई, आप लोग अच्छे से जाओ, ठीक है? अच्छे से जाना, हैप्पी जर्नी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हो एपीएन न्यूज वाले जो कि खबर ले रहे हैं यहाँ पे सारे कावर बम से।
तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं गाइस बिल्कुल तरीके से, क्योंकि इन लोगों का चैनल पे ना कुछ अलग ही लेवल का वीडियो मिलता है। जो भी एंकरिंग होती है ना भाई, लोग जो एंकरिंग करते हैं ना वो काफी धासू तरीके से एंकरिंग करते हैं, बट अपने लोग को तो एंकरिंग आता ही नहीं है भाई, बिल्कुल ही नहीं आता है। लेकिन इन लोग का एंकरिंग देखो ना तो एकदम गजब लेवल का होता है भाई, ऐसा कब बनेंगे आप लोग सोचने वाली बात है। ये लोग सारे जो बम है ना उनसे बात करेंगे और प्लस उन लोग का सारा कुछ डिसीजन नोट करेंगे, मतलब क्या क्या इन लोग को करना पड़ता है कैसे। देख सकते हो ये लोग डाक बम वाले हैं जो भी, वो अभी जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर 2 बजे का ये लोग स्नान करेंगे और फिर निकल जाएंगे ये लोग अपना कवर लेके, जो कि कहीं पे रखना नहीं है। जैसा कि आपको अभी कुछ डाक बम के लोग बताए, जो भी बम है वो बताए आपको कैसे क्या करना है। सो गाइस जैसा कि देख सकते हो अभी बहुत सारे लोग अभी तो आ रहे हैं कवर में जल लेने के लिए, और बहुत सारे अंदर आ भी चुके हैं। तो गाइस देख सकते हो सारे बम अभी अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग कुछ बम तो अपना कवर लेके जा रहे हैं जल, ये देखो कवर में जल लेके जा रहे हैं अभी। तो यहाँ देख सकते हो अभी बहुत सारे कवर लेके जा रहे हैं, प्लस कवर लेके देवघर की तरफ बहुत सारे लोग निकल चुके, बहुत सारे बम निकल चुके मस्त। प्लस इधर का जो मार्केट दिख रहा है यार काफी अच्छा तरीके से सज चुका है। प्लस ऊपर का देखो ना, तो ऊपर का एरिया देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, ऊपर कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ, और बहुत सारे बम जा रहे हैं अपना कवर लेके, और यहाँ पे कवर का सामान भी मिलता है बहुत ही अच्छे से। प्लस इस तरफ से भी बहुत सारे बम आते हैं अपना कवर लेके, और इधर से ना निकलते डायरेक्ट देवघर की तरफ। तो अपने पास क्या सीन है ना कि मैं तो बाइक से आया नहीं हूँ, तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से अपन लोग डायरेक्ट देवघर की तरफ जा रहे हैं, तो अपने को बस लेना पड़ेगा जो कि अपना। गाइस यहाँ पे ये सब सारा चेंजिंग रूम है, यहाँ पे आके जो भी उस तरह स्नान घाट पे करते हैं ना लेडीज महिलाएं लोग, वो यहाँ पे आके अपना कपड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इधर जेंट्स तो कहीं भी कर सकता है ना, लेकिन लेडीज के लिए स्पेशल इंतजाम किया गया। ये देखो इधर के साइड, प्लस उधर के साइड भी है चेंजिंग रूम, लेकिन उधर के साइड मैंने नहीं देखा, बट इधर के साइड ये देखो चेंजिंग रूम काफी अच्छा बन चुका। और ये देखो घाट इधर के साइड, ज्यादातर बम तो इधर ही स्नान करते, जो भी डाक बम है ना वो इधर ही ज्यादा स्नान करते, उधर बहुत ही कम ही करते। अभी फिलहाल डाक बम का टाइम नहीं हुआ, इसी कारण से सारा बम यही है। अभी स्नान करेंगे और फिर ये लोग, कुछ लोग तो पहले ही निकलेंगे, लेकिन डाक बम का टाइमिंग आप लोगों को पता है, डाक बम का टाइमिंग 2 से 3 के बीच में होता है, तो 2 से 3 के बीच में ही वो लोग निकलेंगे स्नान करने के बाद, जल लेने के बाद। तो अपन लोग सोच रहे हैं, फिलहाल अभी सोच नहीं रहे, पहले रेलवे स्टेशन चलते हैं, उसके बाद आपको वहाँ का अपडेट देते हैं भाई। मतलब तो एक बम मुझे मिले हैं, तो मैं अभी उनसे बात करता हूँ, तो अभी मैं उनसे बात करके और दिखाता हूँ आपको ये बम कहाँ से आया। सो हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आप बम? हम लोग बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय से आए, कब आए आप? आज आज ही आए हैं। और निकले थे कब? आज ही सुबह निकले हैं। और आज ही आपका यात्रा, मतलब आज ही आप वहाँ पे जल अर्पण करिए या फिर कल करिए? रात तक हम लोग देवघर पहुँच के और कल सुबह जल अर्पण करेंगे। अच्छा, सोमवार के दिन आपको जल अर्पण करने का है। तो आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग। 6 लोग हैं, 6 वो बेगूसराय से आए सारे लोग। तो अभी यहाँ पे स्नान तो अभी किए नहीं होंगे आप? स्नान हो गया, अब जल लेके निकल रहे हैं आप? अच्छा, यही ऐसे ही जल लेके जा रहे हो या फिर कवर? ऐसे ही लेके जा रहे हैं। तो सारे लोग बाइक से ही? कितने बाइक है टोटल? कितने बाइक लेके आए आप लोग? 3 बाइक, 2-2। तो चलिए कोई ना, आपका यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस आप लोगों ने देखा ना, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। तो गाइस जैसा कि देख लिए, यहाँ पे बहुत सारे बम है जो कि बहुत दूर दूर से आए, गाइस बहुत ही दूर दूर से आए, और ये जैसा कि बेगूसराय से आए 6 बम, ये लोग अभी जल अर्पण करेंगे, कल सुबह तक ये लोग जल अर्पण कर देंगे। अभी बाइक से निकले हैं, प्लस कोई कावर नहीं है, बस ऐसे ही अपना जल लेके जा रहे हैं, और यही जल इनको चढ़ाना है कल सुबह तक, क्योंकि कल सोमवार ही है। गाइस अभी अपन लोग स्टेशन रोड में आ चुके हैं, और यहाँ से आगे जाएंगे तो अपने को बस मिलेगी, बस लेंगे और फिर बस से अपन लोग निकल जाएंगे डायरेक्ट देवघर की तरफ। बीच बीच में सोचे यार अगर बाइक होता ना। तो यहाँ सामने रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से राइट आप मुड़ोगे ना तो ये नगर परिषद है, प्लस इसके आगे ही बिल्कुल जस्ट में बाजू में ही अपना बस स्टैंड है। तो अभी हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं बस के लिए, और बाकी के बात तो आपको बस मिलने के बाद ही बता सकते हैं। बस देखते हैं बस कितना टाइम बाद मिलती है, प्लस कितना टाइम लगाती है अपने को देवघर पहुंचने में, हालांकि धूप काफी ज्यादा आप लोग देख सकते हो। फाइनली गाइस एक बस तो मिली, लेकिन यार देखो कितना भीड़ है, सारे इसमें बम ही हैं जो कि पैदल यात्रा तो नहीं, डायरेक्ट बस के थ्रू ही जाते, बट कुछ लोग पैदल यात्रा करके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पैदल प्लस जो पैदल जाते हैं उनके लिए तो पैदल ही सही है, वरना कुछ लोग बाइक कार फोर व्हीलर बस ये सब से भी जाते हैं बहुत सारे लोग।
तो ये भी देख सकते हो सारे बम ही भरे हुए इस बस में। और अभी नेक्स्ट बस आने का अपन लोग वेट करते हैं, कितना टाइम में आएगा पता नहीं, कितने बजे आएंगे वो भी नहीं पता। 2 बज चुका है और 2 बजे तक अभी अपने पास कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही अपन लोग आके खड़े हैं यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहे हैं। सो गाइस मैं एक बात बोलूँ, सिंपल सा बात बोलूँ भाई, अगर ब्लॉग ये सब के लिए आ रहे हो ना तो भाई प्लीज़ बाइक से आना, बेटर है, बहुत ही बेटर है। वरना पर्सनली सिर्फ ब्लॉग के लिए आ रहे हो ना तो बस ये सब का लोचा लपाटा में पड़ोगे तो बहुत ही गंदा प्रॉब्लम में फंसोगे। मैं अभी फंस चुका हूँ, बहुत ही टाइम से फंस चुका हूँ, बहुत ही टाइम से सारा कुछ पता करा, बट ये बस के बाद पता नहीं कितना टाइम बाद दूसरा बस आएगा। उसमें पैसेंजर ये लोग इतना ठैंच लेते ना, आप लोग देख सकते हो कितना ठैंच के जा रहे हैं लोग पैसेंजर को। तो भाई मतलब कुछ सावधानियाँ ये लोग नहीं बरतते, बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतते गाइस। ऐसा ऐसा जगह से जाना होता है ना कि मैंने अपना बाइक राइड वाला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बाइक से गए थे अपन लोग उस टाइम, कैसा जगह था, कैसे तरीके से लोग जाते थे, उसे भी इतना ठैच के लोग जाते हैं, वो भी बम को लेके जा रहे हैं भाई, सोचने वाली बात है। तो पैसा के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो अभी सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके, प्लस बस कब आएगी कोई पता नहीं है। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। और फिर ये सामने के साथ देख रहे हो हीरो का सर्विस सेंटर शोरूम है प्लस टाटा मोटर्स।